हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप अपना स्कोर कार्ड नहीं देख पाए हैं एसएससी जीडी का, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका फॉर्म ब्लॉक्ड बता रहा है तो आपको कैसे इसको अनलॉक करना है, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर खो गया है और पासवर्ड भी भूल गए हैं तो आपको यहाँ पर जनरेट करके भी पासवर्ड बताने वाला हूँ, तो आप भी अपना आसानी से देख सकेंगे अपना स्कोर कार्ड और अपना मार्क्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, एकदम 100% प्रूफ के साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी एसएससी जीडी से अपलोड करो तुरंत आगे तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताने वाला हूं इसका स्कोर कार्ड कैसे देखें, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं थ्री डॉट्स, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा जैसा कि यहाँ पर मैंने कर दिया है। आप उसके बाद यहाँ पर आगे स्क्रॉल करते, ये है डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसा करने से क्या, एक कंप्यूटर मोड में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप आएंगे इसके नोटिस को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट के बारे में बताऊँगा, ठीक है। इसको जैसा कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड हो रहा है दोस्तों, ये नोटिस डाउनलोड होगी, यहाँ पर भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अभ्यर्थी क्लिक कर रहा है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जंप हो रहा है, ना कि इसके एसएससी की सॉरी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जंप हो रहा है, ना कि उसके पेज पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या सबसे पहले जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जो पासवर्ड है, ठीक है, आप जो कैंडिडेट के जो डेस्क बोर्ड पे जो डैशबोर्ड पर आपको इसके अंक दिखाई देंगे। तो क्या करना होगा, उसके पहले आपको यहाँ से भी आप एसएससी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एसएससी की वेबसाइट पर जा सकते पहुँच सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपको सीधी सीधी बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट लॉगिन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि यहाँ पर ये पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करना होगा, उसके बाद ये कैप्चा कोड देख रहे हैं यहाँ पर इंटर करना होगा, ठीक है, उसके बाद लॉगिन करना होगा। जैसा कि आपके पास ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आपको मैं क्या है आपको बताता हूँ, और आपका भी लॉग्ड बता रहा है, लॉग्ड बता रहा है, तो आप परेशान ना हुए, जो मैं स्टेप फॉलो करूँगा वहाँ पर आप करना होगा। जैसा कि यहाँ पर सब कुछ पासवर्ड और सब कुछ भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको यहाँ पर जनरेट करना होगा, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पर ये इसको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो पासवर्ड भूल गए हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर दी है, तो कुछ यहाँ पर ये मांग रहा है, आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट, जैसा कि आपने सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका यहाँ पर ईमेल आईडी जो उसमें फॉर्म में भरा है उसको भी यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर होना अनिवार्य है, जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर किया था उसी में आपका जो मोबाइल नंबर डाला था वही आपको फिल करना है, जैसा कि यहाँ पर एक ये नंबर डाला था, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही इसको फिल करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर, जैसा कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, यहाँ ओटीपी आ चुकी है, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर दो ओटीपी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपना इंटर टेक्स्ट भरना है, ओटीपी देख लेते हैं क्या है ओटीपी, ठीक है, यहाँ पर 15-20 ओटीपी नंबर है इसका, ठीक है, यहाँ पर आपको फिल करना होगा,
15 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड भी फिल करना है, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं इसको कैप्चा कोड, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी भी आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना होगा। अगर आपका लॉक्ड बता रहा है तो आप ये भी करें, ठीक है। अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको यही करना होगा जो मैंने किया है, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। अगर अपना रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं तो आपको यही करना होगा, अपनी ईमेल भूल गए हैं तो यही आपको करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल जनरेट करना होगा। कैसे ईमेल जनरेट करना होगा आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या करें, ठीक है। दोस्तों आपको पासवर्ड यहाँ पर क्या फिल करना होगा, आपको जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं अपना पासवर्ड फिल करने हैं, तो आपको जो मैं सेव करना इस टाइप का करना होगा, ठीक है। R1 एट द रेट ऑफ अपना नेम यहाँ फिल करना, जैसे आपका नेम अनुज है तो अपनी स्पेलिंग डाल दीजिए अनुज, ठीक है। अपना नेम सेव करना है R1, तो आपका पासवर्ड आसानी से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपको वही यहाँ पर करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर पासवर्ड सेव कर दिया है, ठीक है, अब सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया, जैसा कि यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो चुका है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पहले बता देना चाहता हूँ, पासवर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब जाकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको पहले ही उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो जैसे चलिए अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। जैसा कि अपना पासवर्ड, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, पासवर्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा और अपना यहाँ पर कैप्चा कोड भरेंगे, वैसे ही आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल कर दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, लॉगिन कर दो। लॉगिन जैसे करेंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर इसका खुल गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। अपने यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है रिजल्ट मार्क्स पर, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर क्लिक करना होगा, देख सकते हैं क्लिक कर दिया है, कुछ ऐसा आएगा, ओपन ओके, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा वेबसाइट बिजी है, ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम है, यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो तुरंत आप यहाँ पर अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात का है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इन ये 63 आया था, नॉर्मलाइज होके 5 लगभग 6 इसके नंबर बढ़ाए गए हैं, तो 68 हो गया है, ठीक है। आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।